अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अमित को सब खैरियत होंगे। सबसे पहले जी कर्टन साइड पे करें, बाहर का व्यू तो देखें क्या सीन है बाहर का। ले जी, ये दुबई है और वो देखें जहाज जा रहा है एमिरेट्स का। ठीक है, ये भी आपको दिखा देते हैं पॉइंट आउट करके। तो अभी बज गए जी तकरीबन ऑलमोस्ट 3 और हमारा प्लान है अबू धाबी जाने का 4 बजे। तो अभी रेडी होना फटाफट से, नींद मुझे रात को नहीं आप आई, पता नहीं क्यों है। एक तो सीन ही है कि फ्लाइट कल जो था वहाँ भी पुर्तगाल में भी नहीं सोया था। फ्लाइट सुबह उठ गया जल्दी, ऑफिस जाना था, फिर जहाज़ में भी 7 आवर का ट्रैवल था, जहाज़ में भी नहीं सो पाया। जहाज़ में वैसे नींद नहीं आती आपके भाई को। तो अभी फिर जो है रात को जब इधर होटल पहुंचा हूँ, फिर हम सैरी करने के लिए बाहर निकल गए। सैरी करके जब आए यहाँ पे तो फिर नींद ही नहीं आई मुझे। आपको पता है जब एक नई जगह पे नई प्लेस पे आए तो फिर नींद थोड़ा 1-2 दिन तो आपको एडजस्ट होने में लगता है। तो मुझे रात को नींद ही नहीं आ रही थी। तकरीबन मैं सुबह सोया हूँ, सुबह 6:30 बजे सोया हूँ। तो अभी 3 बजे हैं, दोस्त की कॉल आ गई थी कि भाई 4 बजे निकलना है हमने, तो उठ जाना, ये ना हो सोए रहना फिर बाद में गड़बड़ को। अभी तभी जाना है, अभी तभी मेरे ख्याल से यहाँ से हम जाएंगे तो हमें 1.5-2 घंटा तो लगेगा यहाँ से जाते जाते। तो अभी हम फटाफट से शावर ले ले, तैयार हो जाए, फिर ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। अभी बज गए जी 3:45 और मैं हो गया हूँ रेडी। आउटफिट आपके भाई ने पहन लिया, नए वाला ज़ारा वाला जो हमने लिया था। तो अभी हम निकल रहे हैं अबू धाबी के तरफ। मेरे ख्याल है यहाँ से दोस्त को हम मेट्रो पकड़ेंगे, मेट्रो पकड़ के फिर दोस्त की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से फिर हम निकलेंगे अबू धाबी के लिए। क्योंकि अगर वो इस तरफ आएगा तो हमने ग्राउंड फ्लोर पर जाना है। तो अगर तो वो इस तरफ आएगा तो भाई वो जाएगा फंस यहाँ पे ट्रैफिक में, और हमने ट्रैफिक में फंसना नहीं है। तो इसलिए हम बेहतर ये जो कन्वीनियंट होगा वही यूज रास्ता यूज़ करेंगे। पहले यहाँ से मेट्रो पकड़ लेंगे, मेट्रो के बाद फिर हम दोस्त की तरफ, फिर वहाँ से सीधा अबू धाबी की तरफ। वैसे क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से अभी भी दुबई में इतनी वो गर्मी नहीं आई, वरना मार्च अप्रैल के अंदर इस टाइम 3-4 बजे ऐसी वो गर्म लू चल रही होती है ना कि क्या बताएं आपको। लेकिन इस दफ़ा जब मैं रात को लैंड किया मैंने यहाँ पर, तब भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। मौसम वेदर बड़ा प्लेजेंट सा था और अभी भी जो वेदर है बड़ा प्लेजेंट सा है। शायद अभी धूप नहीं है, धूप में गर्मी लगे, लेकिन अभी अब छाँव है इस तरफ तो बेहतर है। मौसम हल्की हल्की हवा चल रही है, लेकिन वो गर्मी वो ह्यूमिडिटी या कोई इस तरह की वो गर्म हवा नहीं है, ठंडी ठंडी वाली हवा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे गर्मी के अंदर ऐसा है। दुबई के अंदर भी अभी गर्मी उस तरह से नहीं आई। तो पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंजिंग्स है उसकी वजह से वेदर पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। खैर, हम तो इन्जॉय कर रहे हैं अभी। सरवटे हमारी शर्ट को पड़ी हुई है, हमने जो है ना वो इस्तरी नहीं की। अब ट्रैवलिंग में फिर ऐसा ही होता है, क्या करें, अब आयरन नहीं है पास तो कैसे करें इसको। अभी मैं जा रहा हूँ इधर मेट्रो स्टेशन की तरफ। मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे 500 मीटर के ऊपर, और वहाँ पे दूसरे दोस्त आएंगे तो फिर वहाँ से हम इकट्ठे होके, जो तीसरा दोस्त है जिस पर गाड़ी है उसके पास, वो कह रहा था मैं इधर आ जाऊँगा पिक करने के लिए। लेकिन ये देखें ट्रैफिक अभी जैम होना शुरू हो गई है, 4 बज रहे हैं ना, तो ऑफिस जो है ड्यूटी ऑफ टाइमिंग है ऑफिस की, और इस वजह से जो है ना ट्रैफिक स्टक हो गया। तो फिर हम अफतारी हमें फिर यहीं पे भाई दुबई में खोलनी पड़ जाएगी। तो बेहतर है हम ऐसा रास्ता चूज़ करें जहाँ पे हमें फंसना ना पड़े ट्रैफिक के अंदर। अस्सलामुअलैकुम जी, अभी हम अबू धाबी पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने आना था। लेकिन टाइम अफतार में अभी काफ़ी हम जल्दी पहुँच गए हैं। हमारे जो भाई साहब हैं इन्होंने गाड़ी बड़ी स्पीड में चलाई है, और गाड़ी भी अच्छी आपको दिखाते हैं, चाइनीज़ ब्रांड की गाड़ी है और बड़ी अच्छे फीचर्स के साथ है। ये देखें ये वाले फीचर्स हमने वहाँ पे यूरोप में जो है ना जो बड़े ब्रांड्स हैं उसमें देखे हैं, और ये चाइनीज़ गाड़ी के अंदर भी वो फीचर्स आ गए हुए हैं। तो अभी वेट करना पड़ेगा भाई, अभी इफ्तारी में टाइम है। अभी हम लॉबी में वेट कर रहे हैं होटल की, आपको होटल की लॉबी दिखाते हैं। 5-स्टार होटल है, और ये देखें ये इसकी लॉबी, लॉबी चेक करें कितनी बड़ी लॉबी है, और आपको वो ऊपर दिखाते हैं। ये देखें जी ये है होटल, इतना बड़ा। तो दुबई में भाई ऐसी बिल्डिंग्स ऐसे लग्जरी लाइफस्टाइल्स मिलते हैं। आप जब से होटल में आप होटल के एंट्रेंस पे आते हो, उतरते हो, एक बंदा आता है आपसे चाबी लेता है, गाड़ी खुद ले जाता है आपसे, आपको VIP प्रोटोकॉल मिलता है ना यहाँ पे। तो यूरोप में ये शशके नहीं मिलते, ये शशके दुबई में मिलते हैं, क्योंकि दुबई में इनकम है, यहाँ पे लोग पर पैसा है, तो इस हिसाब से फिर चीज़ें भी महंगी हैं, प्रोटोकॉल्स हैं इस तरह की, पैसे के साथ ही साथ भाई सब कुछ है, पैसे भी ना कुछ भी नहीं है। तो यूरोप में हमें सब कुछ, यूरोप में हमें पार्किंग ही नहीं मिलती, अपने घर के सामने पार्किंग नहीं मिलती गाड़ी पार्क करने के लिए। तो यहाँ पे लोग खुद आपसे आगे खुद ही भाई वैले पार्किंग के अंदर गाड़ी पार्क करके आते हैं, आपको खुद जाने की ज़रूरत नहीं होती।
तो होटल भी काफ़ी ज़बरदस्त है, एंट्रेंस बंदा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, ये जैपनीज का चाइनीज़ म्यूज़िक भी जा रहा है यहाँ पे। तो ये भाई आज हमारी दावत है, यहाँ पे इफ्तारी है। सारी स्टार्ट हो गई है। अब ये देखें, ये दुबई के शशके हैं, ये दुबई के शशके हैं, ये आप खा सकते हैं। ये देखें पूरा इधर बकरा पड़ा हुआ है इसके ऊपर। भाई पेट बहुत ज़्यादा फुल हो गया, अभी आ गई मीठे की बारी। तो मीठे में हमारे पास अब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वराइटीज़ अवेलेबल हैं, पहले हम वहाँ से प्लेट लेते हैं जाके अपनी, और उसके बाद फिर हम यहाँ से डाल लें पहले ये मीठा, तो फिर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो के चक्कर में भी खाना इन्जॉय नहीं होता। अभी भैया रात की बज गए 11 और मैं वापस आ गया होटल में। वापसी भी हमने अबू धाबी से दुबई आके वापसी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चाय पी, और चाय पीने के बाद हम आगे यहाँ दोस्त ने ड्रॉप कर दिया था, तो अब मैं आ गया होटल की तरफ। थक गया काफ़ी ज़्यादा अबू धाबी का मेरा होटल ही था यार, मैं वहाँ हर दफ़ा उस तरफ चला जाता हूँ। तो पहले रूम में चले जाएँ, यहाँ शोर होगा तो लोग डिस्टर्ब होंगे, तो हम यूरोपियन बंदे हैं तो हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, यूरोप में लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। तो भाई ये था आज का हमारा डेली व्लॉग, ज़बरदस्त किस्म की लॉन्चिंग थी एक कंपनी की, और दोस्त का प्रमोशन था। हमारा जो दोस्त है वो सीईओ है इस कंपनी का, तो उसकी तरफ से हमें इफ्तार का जो है वो दावत थी। और बट लेट्स सी, दुबई में हम कुछ और भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं आपके भाई, इसी तरह इंशाल्लाह हम आगे ग्रो करते रहेंगे, साथ में आपको अपडेट करते रहेंगे। जो मेरे साथ लोग मुंसलिक होते हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स दे सकूं, लोगों को सही तरीके पर जो है ना उनको गाइड कर सकूं, जैसे मैं एक लिमिटेड के टाइम के अंदर जो है ना एक सही ट्रैक पर चढ़ के जो है ना मैंने सक्सेस जो है वो हासिल की है। खैर ये बातें दूसरे चैनल के लिए, इस चैनल के लिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है, कमेंट करने से आपके मेरे हौसला अफजाई होती है। जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर भी किया करें, और फॉलो तो आपने सब्सक्राइब तो करना है, तो दोस्तों में बोला सब्सक्राइब करने, हमने 100K का टारगेट यहाँ पर कम्प्लीट करना है। तो चले जी, इसी के साथ गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।